अस्सलाम वालेकुम माय स्मॉल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है अरबी या अरवी, इसके बहुत सारे नाम हैं बट मैं अरवी बोलूँगी। आप पता नहीं क्या कहते होंगे, अरबी कहते होंगे वॉट एवर, लेकिन आपको समझ तो आ गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अब अरवी बनाने की, अरवी की चिप्स आज हम बनाएंगे, जो कि बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाएगी और झटपट सी रेसिपी है, 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाती है। जो तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है। तकरीबन ये छोटी प्याली मैंने ऑयल की ली है, उसके अंदर इस तरह से मैंने स्लाइसेस करके इस अरवी के डाल दिए हैं, अरबी या अरवी जो भी आप कहते हैं, स्लाइसेस करके डाल के इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। जस्ट 4-5 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा हिलाकर फ्राई कर लूँगी जी। तो व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराती जाऊँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें जी। तो फ्राई थोड़ा सा करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर नमक डाला है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डाल दिया है। आप रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च की जगह काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप नमक और काली मिर्च वाली बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जस्ट ये दो मसाले मैंने ऐड किए हैं, नमक और सुर्ख मिर्च पाउडर, बस दैट्स इट। और दो तीन मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, और उसके बाद मैं हल्का सा पानी डाल दूंगी ताकि ये थोड़ी देर 5-10 मिनट इसको दम पर रख दें और ये गल जाए अच्छे तरीके से, दैट्स इट। उसके बाद 5-10 मिनट, 10 से 15 मिनट के दम के बाद, यानी कि हल्की आंच पर रखने के बाद ये हो गई हैं बिल्कुल तैयार। ये इतनी झटपट सी रेसिपी है, टोटल 15-20 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाती हैं, और पानी ड्राई हो चुका था दम के बीच में ही। सो यही रेसिपी थी सिंपल सी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी झटपट सी रेसिपी, और इस अरवी को ज़रूर बनाइएगा, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है। सो आखिर में मैं यही कहूँगी कि वीडियो लाइक कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते, ताकि आपको मज़ीद भी ऐसी रेसिपीज़ मिल सकें। थैंक यू सो मच।